लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 3 निर्मला सांप और स्याल का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्राइम बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे रहा हूँ। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिए, मैंने पूरा चैप्टर समझाया है, और इसके बाद और पहले के बहुत सारे चैप्टर्स भी अपलोड है, तो पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभ्यास के सबसे पहले पाठ में से सबसे पहला क्वेश्चन है, स्याल को सब क्यों पसंद करते थे? इसका आंसर, स्याल एक प्यारी सी लड़की थी, उसकी मुस्कान अच्छी होने के साथ साथ वह पढ़ाई लिखाई में होनहार, घरेलू कामकाज में दक्ष और व्यवहार में कुशल थी, जिसकी वजह से सभी उसे पसंद करते थे। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को क्या लगा? सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को लगा कि अब वह निश्चित ही मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप पर हमला किसने और कैसे किया? सांप पर हमला स्याल ने लाठी से किया। या फिर लाठी के वार से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला ने स्वयं को बचते देखा और स्याल को अजगर का शिकार करते देख क्या सोचा? निर्मला स्वयं को बचते देख और स्याल को अजगर का शिकार करते देख मन ही मन सोचने लगी कि मैं व्यर्थी में ही स्याल से चिढ़ा करती थी, आज अगर यह ना होती तो अजगर रूपी दैत्य मुझे खा ही जाता। हो गया इसका सॉल्यूशन। फाइव नंबर क्वेश्चन में देखिए, रिक्त स्थान भरना हमें। सबसे पहला, स्याल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। खा, कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता हूँ। गा नंबर है, निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। और यदि अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा। एक क्षण के लिए स्याल बिल्कुल जड़ हो गई। अंगा, निर्मला ने स्याल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। अब पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, कहानी जो भी दिए गए उस घटनाओं के अनुसार हमें आगे के क्रम में लिखना। सबसे पहला है कि निर्मला खुशी से उछल पड़ती और मवेशियों को हाँकते हुए दूर बड़े रास्ते पर चल पड़ती है। चैप्टर समझने के लिए एक्सप्लेनेशन तो जरूर देखिएगा। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर स्याल ने इधर उधर देखा, फिर अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। फोर्थ होगा कि अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया और वार किया था स्याल ने। सांप स्याल को निगलना चाहता था। भाषा की बात देखते हैं तो यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द हम लोगों को पाठ से ढूंढ कर दिए गए हैं और उसे हम लोगों को लिखना है। सबसे पहले राक्षस, राक्षस का होगा दैत्य, साहस का हिम्मत, अश्रु का आंसू, विचित्र का अनोखा। नीचे जो है विशेषण शब्द दिए गए हैं उसे हम लोगों को शब्द कोश के क्रम अनुसार लिखना है। सबसे पहला होगा अंडाकार, सबसे पहले आता आ, फिर दूसरे नंबर पे ऊंची ऊ, फिर एक, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे चमक, पांचवें नंबर पर छोटी, छठे नंबर पर पतली, सातवें नंबर पर पहली, आठवें पर भयानक, नवें पे मोहक और दसवें पे वीर। पाठ में आपको तीन मुहावरे छाट कर लिखिए और वह उनके अर्थ भी लिखिए। और हम लोगों को मुहावरे छाट कर लिखना है पाठ में से और उसके अर्थ भी। तो मुहावरा क्या होगा? घी घी बनना, डर से आवाज का बंद होना। टकटकी लगाना, लगातार देखना। मुहावरा, प्राण सूखना, डर जाना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।